मधुबनी बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पे विधाननगर मेले में मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट करने और सेल करने के लिए आए हुए हैं। हम मधुबनी पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं जो मधुबनी जितवारपुर से बिलोंग करते हैं। जितवारपुर जो अभी के टाइम में कलाग्राम बन चुका है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलाग्राम घोषित कर दिया है। मेरा गांव जो है वो आपका करीब 10,000 आबादी का गांव है, लेकिन उसमें तीन पद्मश्री हैं, 30 लगभग नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट हैं और हर एक परिवार में एक एक स्टेट अवार्डी आर्टिस्ट है, जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे गांव को क्राफ्ट विलेज घोषित किया। ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मधुबनी पेंटिंग जो मेरे गांव का एक प्रतीक है, जो मधुबनी का प्रतीक है, जो बिहार का प्रतीक है, साथ साथ उसको बनाने का अलग अलग तरीका है। ये हैंडमेड पेपर होता है, हम लोग हैंडमेड पेपर के ऊपर उसका क्या करते हैं तो गाय गोबर, मुल्तानी मिट्टी और नीम का पत्ता का लेप बनाते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, पुट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग नेचुरल डाई से काजल कलर से ब्लैक लेके पहले काजल कलर से हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद नेचुरल डाई से ही सारा पेंटिंग को रेडी करते हैं, कलर फिल करते हैं, कलर भी उसमें नेचुरल डाई है, सारा कुछ नेचुरल है। ये ग्रीन हम लोग सीम के पत्ते के लिप्स से बनाते हैं सीम का ये कलर, उसके बाद येलो हम लोग ओरिएंडर के फूल से या हल्दी से बनाते हैं, उसमें बबुल का गम देते हैं। इस ये हम लोग का मधुबनी पेंटिंग करने का तरीका है। क्या प्लानिंग है सरकार की नीतियों से, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की नीतियों से हम पूरा संतोष नहीं है, मतलब पूरा संतोषजनक नहीं है सरकार की नीतियाँ। कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक बेकार भी है। बीइंग आर्टिजन के वजह से हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो कारगर नहीं है। और राज्य सरकार, राज्य सरकार अगर हम बिहार से सोचते हैं तो वहाँ की नीतीश सरकार तो बेकार सरकार है। उनको मतलब थोड़ा सा भी उनको क्या बोलते हैं उसको सोच नहीं है, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास थिंक नहीं है, उनके पास क्या बोलते आय नहीं है उस टाइप का देखने का, जो हम अपने आर्ट को लेके या अपने क्राफ्ट को लेके या अपने स्टेट को लेके हम किस टाइप से उनको पहुंचे। बंगाल में आके बंगाल सरकार के लिए हम बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बींग आर्टिजन वो आर्टिस्ट को बहुत ही प्रमोट कर रही है। ममता बनर्जी को हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीबिशन होता है उसमें भी हमको चांस मिल जाता है। लेकिन कितने साल से आ रहे हैं आप? हम कलकत्ता में तो करीब 8 साल से आ रहे हैं। अच्छा, और 8 साल से हम और 8 साल में क्या बदलाव देखा? 8 साल में भले ही नॉन बंगाली के वजह से हमको और कुछ बदलाव दिखे ना दिखे, बट बीइंग आर्टिजन हमको दीदी के फॉर्मूला से हमको तो लाभ है। मतलब आप जैसे जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोगों को लाभ होता है। डिजाइन कुछ एक देखना चाहेंगे? डिजाइन ये मतलब दुर्गा है, ये आपका ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग है जो नेचुरल डाई से बनाया गया है। इसमें आपका ये सिंह बनाया गया है, इसका जो क्वालिटी है वो ये है कि मतलब ये आपका बेसिक शेप में, इसका कोई मॉडर्न शेप नहीं है, इसका एग्जैक्ट शेप नहीं होता है, टेढ़ा मेरा ही इसका गुण, इसका क्वालिटी। अच्छा, ये गणेश है? ये गणेश महाराज हैं। आपके पास तो बहुत सारी पेंटिंग्स दिख रही हैं, मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मतलब कस्टमर के अनुसार से भी हैं और अपने सोच के अनुसार से भी हैं, क्योंकि कस्टमर को भी अलग अलग टाइप की पेंटिंग चाहिए होते हैं जी। और हम लोग भी अलग अलग टाइप की पेंटिंग बनाते हैं, आप अपने थीम के अनुसार ही बनाते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार ही बनाते हैं। आप देखिए इनकी पेंटिंग कितनी शानदार है, भारत को कलाओं का देश यूं ही नहीं कहते। बहुत अच्छा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया।